Yesterday we discussed about the meaning of e-business and that of e-commerce, and we came to know that e-business is a wider term. It includes e-commerce within its sphere, within its scope. So e-business, see, what is the scope of, now we are going to discuss about the scope of e-business. जब हम स्कोप की बात करते हैं तो माइंड में ऐसे आता है इसका स्कोप क्या है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व हो सकता है ना, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली, बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज हैं विच कैन बी कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली. सो बेटे ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शंस, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मैनेजीरियल एक्टिविटीज, आप जब प्लस टू में होंगे आपको जो बिजनेस स्टडीज के दो पार्ट्स होंगे, वन वुड बी मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर दी मैनेजीरियल फंक्शंस. ऑल दीज मैनेजीरियल फंक्शंस कैन बी कैरिड आउट ओवर कंप्यूटर नेटवर्क. सो लाइक आई गेव यू एन एग्जाम्पल के I don't need to tell you, some of your cousins, your brothers, your sisters from the past 1 year have been working from home. Some of them have been planning for their firm. Some of them have been accounting for their firm. Some of them have been hiring personnel for their firms, for the firms for which they are working. So which means today there is no business activity which cannot be performed or carried over कंप्यूटर नेटवर्क. सो विच मीन्स अगर हम इस तरह से स्कोप देखें ही बिजनेस का, तो ऑल द प्रोडक्शन, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली. बट देन देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, दैट इज टू सी द पीपल और द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस. कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि ई बिजनेस में आ सकते हैं या इन्वॉल्व हैं, ठीक है. सो अगर हम उस तरह से देखें, तो इस पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो जो इसका स्कोप है वो हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं. फर्स्ट, बी टू बी कॉमर्स और बी टू बी ट्रांजेक्शन. Here B refers to business. So when both the parties are business firms, it is referred to as B2B commerce. So what is the meaning of B2B commerce? The transactions taking place between two or more business firms. Transactions taking place between two or more than two business firms electronically through internet are referred to as B2B transactions or B2B commerce. Got it? जब बेटे एक तरफ एक पार्टी बिजनेस फर्म है, दूसरी पार्टी भी बिजनेस फर्म है, और ये दोनों आपस में जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हैं, इसको कहते हैं बी टू बी कॉमर्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ. देयर इज अ बिजनेस फर्म, से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, कोई भी ले लो, ये आपकी बुक में एग्जांपल ली है, दी हुई है, तो मैंने ये उठा ली, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, या कोई भी स्कूल है, ये दोनों बिजनेस फॉर्म्स हैं. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोड्यूस करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना. जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन में एंगेज्ड होती है ना, तो उसको बोलते हैं इट इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, क्रिएशन ऑफ utilities. Production is the process of creation of utility. There is a
वुड लाइंग आउटसाइड योर स्कूल, ठीक है, लकड़ी पड़ी हुई है, इज इट ऑफ एनी यूज टू यू? बट वेन द कारपेंटर कन्वर्टेड इट इन बेंच, ही क्रिएटेड, ही चेंज्ड द फॉर्म ऑफ द वुड, दैट इज ही क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी. By creating utility, it now has the capacity to satisfy the consumer's want. जब किसी भी कमोडिटी में यूटिलिटी आ जाती है, यूटिलिटी का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या किया है, इट हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वॉन्ट. सो द वुड विच वॉज लाइंग आउटसाइड द स्कूल डिड नॉट हैव एनी कैपेसिटी to satisfy any of your want, right? But when its form was changed, it became useful for you. It now has the capacity to satisfy your want. That is, now the carpenter has created utility. Okay? So production involves creation of utility. So chahe koi bhi business form यूटिलिटी क्रिएट कर रही है या वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर रही है, इट इज डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आप टक शॉप पे जाते हो, टक शॉप से पेन लेते हो, नोटबुक लेते हो, यूनिफॉर्म लेते हो, क्या ये चीजें उन्होंने प्रोड्यूस की है, क्या उन्होंने कोई यूटिलिटी क्रिएट की है? नहीं, वो आपको गुड्स क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. Is it clear? They are delivering goods to you. तो चाहे business form बेटे utility create कर रही है, चाहे वो क्या कर रही है, goods and services को deliver कर रही है, it requires, this business form requires to contact other business forms. जैसे ये automobile manufacturer है, मारुति उद्योग है, इसको यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको टायर मैन्युफैक्चरिंग फर्म के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, यस, इसको ब्रेक बनाने वाली फर्म के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसको बैटरी प्रोड्यूस करने वाली फर्म के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा. तो ये सारी वो जो इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली करती है, तो इसको कह देते हैं B2B ट्रांजेक्शन, B2B कॉमर्स. क्लियर? सो व्हाट इज B2B कॉमर्स? इट रेफर्स टू द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मोर बिजनेस फर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू इंटरनेट. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज और डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. They require a business firm to interact with a number of other business firms. अगर मुझे utility create करनी है या मुझे goods and services deliver करने हैं, तो I need to interact with number of firms. कौन सी firms? It could be supplier, it could be vendor, ठीक है, it could be anyone else. जहां से मुझे channels of distribution, जहां से मुझे inputs procure करने हैं, ठीक है. सो ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको कहा जाता है B2B कॉमर्स. क्लियर? सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको टेक्निकली कुछ नहीं लेना. आप कल को बिजनेस करोगे और आपको बिजनेस के लिए एक मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आपने सर्च किया इंटरनेट पे, ये सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपने उन सबको बोला अपनी कोटेशन भेज दो, मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए, आप अपनी कोटेशन भेज दो. कोटेशन का मतलब अपना प्राइस बता दो, आप कितना प्राइस हमें से चार्ज करोगे, ठीक है. 10 सप्लायर ने आपको कोटेशन भेज दी, उसमें से जिसकी आपको क्वालिटी और रेट ठीक लगा, आपने उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. ये सारी ट्रांजेक्शन एक बिजनेस फॉर्म ने दूसरी बिजनेस फॉर्म के साथ की, इलेक्ट्रॉनिकली की, दिस इज B2B कॉमर्स. सिंपल, क्लियर? आगे चले. Another scope of e-business is B2C commerce. B again refers to, C refers to customer.
So the transactions taking place between business firm and its customers electronically is referred to as B2C commerce. Now B2C, it facilitates promotion of products online. आप इंटरनेट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, आजकल तो फेसबुक में कोई वीडियो देखते हैं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है या नहीं आती है ना बेटे? ये बिजनेस फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही है, कस्टमर तक पहुंच रही है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस, यूजिंग इंटरनेट. This transaction is B2C commerce. You want to withdraw money from the bank. You don't need to go to bank. You withdraw money directly from the ATM. ATM is conducted making use of internet. So आपको ये facility, आपका bank आपको एक facility दे रहा है कि आप अपनी money को electronically withdraw कर सकते हैं. Again, this is B2C transaction. कोई भी ऐसी transaction जिसके through business firm customer तक पहुंच रही है उसको कहा जाता है B2C commerce. ठीक है, तो जितने भी companies अपने products को online बेचती हैं उनको क्या कहा जाएगा? What is taking place here? B2C transactions. Clear? So ATM is again a B2C transaction. Now, sometimes business firms, they also conduct online surveys. Do they conduct online surveys? Dekha hai kabhi? Supposing, wohi main example deti hu, aaj kal bachcho ka kyunki favorite topic hi hai Netflix wagera. Theek hai, OTT platform, kisi bhi prime ne ek naya web series banani hai, to ye dekhne ke liye ke जो आजकल का कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है? क्या वो पॉलिटिक्स के ऊपर सीरीज देखना चाहता है, क्राइम के ऊपर देखना चाहता है, ठीक है, या लव स्टोरी के ऊपर देखना चाहता है, या कोई साइंस फिक्शन के ऊपर देखना चाहता है, कोई लीगल लॉ के ऊपर बेस देखना चाहता है, बिजनेस से रिलेटेड देखना चाहता है, तो उससे उसके बेसिस पर वो सर्वे कंडक्ट करता है. कई बार आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो साइट पे एक आ जाता है स्पेयर 2 मिनट्स एंड fill in this form. So that is a survey. Pop-up ho jata hai ek window. Theek hai? So business firms, they also conduct online surveys to ascertain who is buying and to what extent customers are satisfied or to see what the consumers want to buy. Kai bari firm ko ye dekhna hai, kaun khareed raha hai, kya wo satisfied hai ya nahi. कई बार उनको आगे का प्लान करने के लिए सर्वे कंडक्ट करनी होती है. सो एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन सर्वे इज अ B2C कॉमर्स. नाउ B2C कॉमर्स ऑल्सो गिव्स वे टू C2B ट्रांजेक्शंस. बिजनेस टू कॉमर्स ट्रांजेक्शंस दे प्रोवाइड स्कोप फॉर कस्टमर टू बिजनेस ट्रांजेक्शन. Now these customers, they are free to shop at their will. कभी भी वो shopping कर लेते हैं या नहीं? कर लेते हैं, तो ये C2B commerce का हिस्सा है. Then you can make toll free calls to the business or not. कई बार आपका net नहीं चल रहा, अभी हमारा net नहीं चल रहा, ठीक है? We make a call to the service provider. कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो टोल फ्री होती. घर में भी कई बार ऐसे होता है हम कॉल कर लेते हैं. हेयर द कस्टमर इज रीचिंग बिजनेस फर्म. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रेफर्ड टू एज C2B कॉमर्स. जहां पे बिजनेस फर्म कस्टमर तक पहुंच रही है वो B2C है, और जहां पे कस्टमर बिजनेस तक पहुंच रहा है वो C2B है. इसकी एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट ऑनलाइन, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कंडक्टिंग ऑफ ऑनलाइन सर्वे.
सी टू बी की एग्जाम्पल, बाइंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन, मेकिंग कॉल टू द टोल फ्री नंबर्स, और कंप्लेन अपनी डालना टोल फ्री नंबर पे, ठीक है, या कॉल सेंटर्स में क्वेरी करना, कोई भी, मैंने रेफ्रिजरेटर लिया तो वो इंस्टॉल कर गया, मैंने देखा कूलिंग नहीं कर रहा मेरा रेफ्रिजरेटर, तो मैंने एलजी का टोल फ्री नंबर किया और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसने मेरे को बता दिया ऐसे ऐसे कर लो ठीक हो जाए। दिस इज सी टू बी कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चों को लगता है विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम इज अ सी टू बी, सी टू बी है कि बी टू सी है? इट इज बी टू सी, ठीक है, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस फॉर्म कस्टमर को दे रहा है, ठीक है। सो क्लियर हो गया बी टू सी कॉमर्स? किसी को कोई डाउट बेटे? ऐसे ही नहीं करते रहा करो कि हाँ क्लियर है, अगर कुछ पूछना यू कैन आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन वांट्स मी टू रिपीट? ओके, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जी, फैसिलिटी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है ना, तो बैंक रीच कर रहा है कस्टमर को। वो तो उसमें दोनों पार्टीज एक तरह से इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है आपको सर्विस, तो उसको हम बी टू सी ही कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रा बी कॉमर्स। व्हाट इज इंट्रा बी कॉमर्स बेटे? इंट्रा बी कॉमर्स अंडर इट द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स दे आर फ्रॉम विद इन द बिजनेस यूनिट। दिस इज वन बिजनेस फॉर्म, से मारुति उद्योग, मारुति उद्योग के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एक ही फॉर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये डिपार्टमेंट्स आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज रेफर टू एज इंट्रा बी कॉमर्स। गॉट इट और नॉट? हैव यू हर्ड ऑफ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन? व्हाट इज दैट? स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स compete with each other. What is intra-school competition? Students within the school compete with each other. So intra B commerce, departments within single firm interact with each other electronically. That is intra B commerce. So here the parties involved in electronic transactions, they are within the same business unit. It's mainly used to interact between the management and its various functions, and also with the people within the firm. Marketing department ne survey kiya, usse isko pata chala ki logo ka taste differ ho raha hai, log is cheez ki jagah ye wali cheez ab mang rahe. पहले लोग जब मोबाइल लेने जाते थे तो वो देखते थे सेल्फी कैमरा अच्छा हो, अब जब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लोग देखते हैं इसकी रैम अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हो, इसमें ऑफिस इंस्टॉल्ड हो, हमें लैपटॉप की जरूरत ना पड़े, हमारे सारे काम मोबाइल पे हो जाए। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने यह सर्वे किया, ये इसने बात कहां तक पहुंचानी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचानी है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व विद प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स। सो नाउ देयर इज अ चेंज, नीड ऑफ चेंज इन द डिजाइनिंग ऑफ द मोबाइल ऑल टुगेदर, सो दे शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग द ओल्ड मॉडल्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू टेल वी आर कमिंग अप विद द न्यू डिजाइन, लोडेड फीचर्स मोबाइल, ठीक है।
तो आप अपनी प्रोडक्शन अभी के लिए सस्पेंड कर दीजिए या कम कर दीजिए, ठीक है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने इनको अपना डिजाइन भेज दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसको कैरी आउट करने के लिए ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है, तो इट हैज टू कॉन्टैक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, करना पड़ेगा उसको कॉन्टैक्ट। तो जब ये सारी ट्रांजेक्शन विद इन दी फर्म हो रही है, अमंग्स डिफरेंट पर्सन, अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो रही है, इनको क्या कहा जाता है, इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक है। अब इंट्रा बी कॉमर्स का फायदा क्या है, इट हैज मेड द मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल। आई गिव यू एन एग्जांपल, दिस वाज फ्लेक्सिबिलिटी इनडीड और नॉट। लेट अस इमेजिन लॉकडाउन लगा हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन वाले आ रहे हैं और मार्केटिंग वाले आ नहीं रहे, सपोजिंग इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है फर्म के पास, तो वो कैसे बताएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि भी आपका जो मोबाइल है वो अब आउटडेटेड हो गया है, ये नहीं बिकने वाला। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही बनाई जा रहा है, मार्केट में आया बिकना बंद हो गया, लॉस हो गया। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट की, ऑनलाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया ये नए डिजाइन का मोबाइल है, ये इसमें फीचर्स ऐड करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। सो इट हैज मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। देन इट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है, अच्छी सुपरविजन हो सकती है इंटरनेट से। आप ईमेल कर सकते हैं, आप कोई भी, बहुत सारे डिवाइसेस हैं बेटे जिससे हम अपने इंप्लॉइज के ऊपर चेक रख सकते हैं, ठीक है, सुपरविजन कर सकते हैं उसकी। आगे क्या होता था, अगर एक सपोज एक पर्सन है, मैनेजर है, वो जब राउंड लगाएगा ना तभी देखेगा हाँ वर्कर काम कर रहे हैं। अब वर्कर को पता चल गया ये राउंड लेके चला गया, अब तो इसने वापस नहीं आना, तो वो रिलैक्स करने बैठ जाते थे। अब सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, मैनेजर बैठ सकता है, सीसीटीवी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। सो इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव सुपरविजन इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रा बी ट्रांजेक्शंस। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को इफेक्टिवली हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके उनको कमांड दे सकते हैं, ठीक है, और नई तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है। अभी आप देखो आजकल क्या हो रहा है, हमें पहले अगर बताना होता था कि भाई कल से स्कूल के टाइमिंग्स ये हैं, तो सर्कुलर साइन करवाया जाता था 2 दिन पहले कि 2 दिन का नोटिस चाहिए बच्चों को बताने में और टीचर्स को भी जानने में। अभी क्या होता है, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में रात को मैसेज आ जाता है कल से ये टाइमिंग्स हैं। क्विकर डिसीजन मेकिंग, ऑल बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रा बी ट्रांजेक्शन। सो हेयर इज वन एग्जाम्पल गिवन इन द बुक, आई विल रीड इट आउट फ्रॉम द बुक। Okay, see, the companies are resorting to personal recruitment, interviewing, selection, training, development and education via e-commerce. सारी terms ध्यान से सुनो। आजकल companies क्या कर रही हैं? Telephonically recruit करती हैं workers को, telephonically उनकी interview ले लेती हैं, उनको select कर लेती हैं और internet का इस्तेमाल करके उनको ट्रेनिंग दे देती हैं, उनको एडुकेशन दे देती हैं। इंप्लॉइज कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स एंड ऑर्डरिंग फॉर्म्स एंड एक्सेस इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन फॉर बेटर इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर्स। जो इंप्लॉइज है वो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग
कैटलॉग क्या होता है? सपोज आप 10 तरह के प्रोडक्ट्स, मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है सैमसंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, इसके डिफरेंट डीलर्स हैं ऑल ओवर दी इंडिया, आई एम इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मुझे इन होलसेलर्स को अपने मोबाइल बेचने हैं, उसके लिए मुझे कैटलॉग की जरूरत है कि कौन सा मोबाइल, उसमें क्या फीचर्स हैं, वो क्या प्राइस का पड़ेगा। तो अर्लियर पेपर कैटलॉग होते थे, तो आई वुड हैव टू गो टू ईच एंड एवरी डीलर, शो देम, एक्सप्लेन देम। टुडे व्हाट आई कैन डू इज इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग आई कैन सेंड देम इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फॉर्म में उनको कैटलॉग भेज दिया और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फीचर्स एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, सो डीलर्स अपने घर में बैठे, दे कैन डू दिस।